हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ का फर्स्ट भाग का है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द्विधारी संक्रिया, और द्विधारी संक्रिया किन किन नियमों का पालन करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये आपका संक्रिया सारणी क्या होता है इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्विधारी संक्रिया यानी बायनोमियल ऑपरेशन क्या होता है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, यानी किसी भी समुच्चय में द्विधारी संक्रिया स्टार एक फलन, देखिएगा ये फलन आपका स्टार मैप ए टू ए टेंस टू ए है, तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं द्विधारी संक्रिया। या इसको देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम स्टार मैप ए टू बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित कर सकते हैं। यह स्टार जो होता है वह स्टार का जो चीज साइन होता है वह क्या होता है, धन हो सकता है, ऋण हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। ये द्विधारी संक्रियाएं जो होती हैं किन किन नियमों के लिए पालन करता है, कहाँ नहीं करता है, तो इसमें आपका आएगा पहला जो नियम आएगा क्रम विनिमय नियम का। ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, देखिए क्रम विनिमय नियम यह होता है कि ऐसा दो नंबर के लिए आप लिख सकते हैं ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए, अगर यह हो रहा है तो आपका क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में जाना जाए, आप पढ़े हैं या फिर पढ़े होंगे नाइन्थ पढ़े होंगे, आप ट्वेल्थ में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर आप यह जो पढ़ें स्टार धन ऋण गुणा भाग के लिए पढ़ें, ठीक यहाँ पर वही सेम आपका प्रक्रिया रहेगा, केवल यह जो धन और ऋण आपका गुणा भाग जो है वो स्टार द्वारा निरूपित किया जाएगा। जब स्टार द्वारा निरूपित किया जाएगा यह जो संक्रियाएँ होंगी द्विधारी संक्रिया के रूप में हम जानेंगे। तो आइए क्रम विनिमय नियम होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर है तो एक क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, किसके लिए करेगा, अगर आपका एक पूरा अंक जानिए आपका प्राकृतिक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जानते हैं, प्राकृतिक आपका धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, पूर्णांक होता है आपका, वास्तविक संख्याएँ होती हैं, तो किन किन के लिए आपका यह फॉलो करेगा किन के लिए नहीं करेगा। जैसे आप दो नेचुरल नंबर ले लीजिए टू और फोर, देखिएगा टू और फोर ले रहा है तो टू और फोर लिया जाए और यह स्टार जो है धन चिन्ह को निरूपित करता हो, धन चिन्ह को क्या करता हो निरूपित करता हो, उस कंडीशन में देखिएगा टू प्लस फोर या टू प्लस फोर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा सिक्स जाएगा, और आइए यहाँ पर यानी आपका फोर प्लस टू करेंगे तो फोर और टू ऐड करेंगे इसका हो जाएगा सिक्स होगा, ये दोनों इक्वल है, क्या है आपका इक्वल। इक्वल के कंडीशन में यह जो आपका रूट्स होगा वह योग के क्रम विनिमय योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक। अब आइए देखा जाए एक स्टार जो है अगर गुणा को निरूपित कर रहा है, यानी स्टार गुणा को निरूपित करता हो किसी नेचुरल नंबर के लिए टू और फोर के लिए देखा जाए टू इंटू क्या फोर, तो टू इंटू फोर कितना जाएगा एट, और या आपका फोर इंटू टू क्या जाएगा ये भी एट, यानी इक्वल कंडीशन में आ रहा है, तो इसलिए यह जो आपका होगा देखिएगा गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक। सेम इसी तरह देखिए अब गुणा हो गया भाग, भाग के लिए देखेंगे तो भाग के लिए देखा जाए तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या करेंगे इसको भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो टू बाई फोर होगा, ठीक। अब आइए फोर बाई टू होगा, या आपका वन बाई टू हो जाएगा या आपका टू हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों आपका इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में यह जो आपका होगा ये भाग के कंडीशन में द्विधारी संक्रिया जो आपका फॉलो एक क्रम विनिमय नियम का फॉलो नहीं करेगा।
अब आइए अंतर में देखा जाए, अंतर के लिए, अंतर के लिए देखिए क्या होगा, यह स्टार जो है अगर अंतर को निरूपित करता हो तो उस कंडीशन में देखिए 2 - 4 तो 2 में से 4 जाए, माइनस 4 जाता होगा माइनस 2 होगा, और 4 - 2 तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने के कंडीशन में देखिए यह जो आपका स्टार अंतर में आ रहा है तो उस कंडीशन में एक क्रमिक नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जाने हैं कि यह जो क्रमिक नियम है जो योग और गुणा के लिए फॉलो करता है और भाग और अंतर के लिए फॉलो नहीं करता है। ये आपका हुआ। अब आइए दूसरा आपका है साचर्य नियम। साचर्य नियम का अगर किसी सेम इसी तरह का आपका हो ए स्टार बी और स्टार सी, तो ए बी और सी को एक जगह कर एक कोष्ठक में किया जाए, इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी हो, ए और बी को एक कोष्ठक किया जाए, ए आपका साचर्य होगा। और यह साचर्य देखा जाए कि धन के लिए लागू होता है कि नहीं, गुणा के लिए लागू होता है कि नहीं, भाग के लिए लागू होता है कि नहीं, अंतर के लिए लागू होता है कि नहीं। तो उसी तरह 3 आपका प्राकृतिक संख्या लें, 2, 3 और 4 लेना, और धन के लिए जांच करें, ये स्टार किसको शो कर रहा हो, धन को। उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, देखिएगा ए है या बी है और ए सी है, तो 2 + 3 + 4 तो 2 + 3 और 4 ऐड करें कितना होगा 7, और 2 और 7 ऐड करें कितना होगा 9। अब आइए ए प्लस बी 2 + 3 + 4 2 और 3 ऐड करेंगे कितना होगा 5, और प्लस 4 करेंगे 5 + 4 कितना होगा 9। देखिए ये इक्वल हो गया, यानी ये नेचुरल नंबर के लिए योग का साचर्य नियम कहलाएगा। यानी आपका ये जो अगर फॉलो कर रहा है धन पर, ये जो रूल होगा वो योग का साचर्य नियम कहलाएगा। इसी तरह गुणा में किया जाए तो गुणा में करेंगे देखिए क्या हो रहा है, इसी संख्या के लिए तो क्या करें, इसका गुणा इसमें करें तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 × 9 = 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, 2 × 6 × 4 = 6 × 6 = 24 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो ये जो रूल होगा तो ये स्टार जो है गुणा के लिए क्या कहलाएगा, साचर्य नियम कहलाएगा। अब अंतर पर देखा जाए, यही अंतर हो ठीक है, ये आपका स्टार किसको शो कर रहा हो, अंतर को, तब देखिए क्या ये फॉलो करेगा कि नहीं। ये आपका हो जाएगा 2 - 3 - 4 - 1 और यह आपका 2 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3। यहाँ पर आपका 2 में से आपका 3 जाएगा -1 - 4 तो -1 - 4 का क्या हो जाएगा -5। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में अंतर पर साचर्य नियम पालन नहीं करता है। इसी तरह भाग पर भी साचर्य नियम पालन नहीं करेगा। अब तत्समक अवयव क्या है, देखिएगा तत्समक अवयव क्या होते हैं, आप जानते हैं तत्समक अवयव आपका 0 और 1 होता है। क्या होता है, 0 और 1, 0 जो आपका और 1 ऐसा ये अवयव है 0 और 1 कि अगर देखिएगा ए प्लस अगर 0 करें उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, ए होगा, और 0 + 1 करें तभी क्या होगा, यही होगा ठीक। ए इंटू 1 करें तभी ए होगा, और आपका ए 1 × a करें तभी यही होगा। इस कंडीशन में ए आपका क्या होगा, 0 और 1 क्या कराएंगे, तत्समक अवयव कराएंगे, ये तत्समक अवयव होगा। प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम यह होता है कि ए और बी अगर ए और बी इस प्रकार हो कि ए और स्टार बी अगर करें तो वह ई हो जाए, यानी ए बी संख्या या बी स्टार ए करें तभी वह ई ही हो। यानी जैसे आपका देख लीजिए ए और बी का मान ऐसा चयन करें,
इसका बुरा करा तो वही आ जाएगा 1/5 एक कर दो, ठीक। ये आपका ए से कटेगा कब जाएगा 1, ये आपका बी का मान 1/5 इंटू 1/5 एक कर, ए से कटेगा बी का होगा 1 होगा। इस कंडीशन में ये जो आपका ए का प्रतिलंब जो होगा आपका क्या होगा 1/a हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी क्या होता है? संक्रिया सारणी को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उस समुच्चय में द्विधारी संक्रिया को एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं, इस सारणी को ही हम क्या कहते हैं संक्रिया सारणी कहते हैं। जैसे समझिए एक एग्जांपल तो समझ में आएगा, जैसे लिया जाए कोई एग्जांपल ले सकते हैं, आपका ए लीजिए, ये आपका एग्जांपल में सेट ले लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 ले लीजिए, और यह जो है सारणी बनाना है, और सारणी बनाना है इस प्रकार की ए बी यानी ए बी का जो सारणी हो वो क्या हो उच्चतम हो, यही देता है उच्चतम और न्यूनतम ही करके देता है, ठीक है। तो क्या करें सारणी बना, ये आपका स्टार जो भी रहेगा उस कंडीशन होगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 कर दें, 1 2 3 4 5 5 तक है। अब इसको क्या करेंगे सारणी बनाएंगे, तो ए और देखिए इसमें देखते हैं एक और एक में देखते हैं उच्चतम कौन है, उच्चतम रहेगा तो उच्चतम, न्यूनतम रहेगा तो न्यूनतम, एक और एक में उच्चतम एक है, एक और दो में उच्चतम दो है, एक और तीन में उच्चतम क्या है 3 है, एक और 4 में उच्चतम क्या है 4 है, एक और 5 में उच्चतम क्या है 5 है। अब आइए 2 और 1 में उच्चतम 2 हो जाएगा, 2 और 2 में उच्चतम 2 हो जाएगा, 2 और 3 में उच्चतम 3 हो जाएगा, 2 और 4 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 2 और 5 में उच्चतम 5 हो जाएगा, और 3 और 1 में उच्चतम 3 हो जाएगा, 3 और 2 में उच्चतम 3 हो जाएगा, 3 और 3 में उच्चतम 3 हो जाएगा, 3 और 4 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 3 और 5 में उच्चतम 5 हो जाएगा, 4 और 1 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 4 2 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 4 3 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 4 4 में उच्चतम 4 हो जाएगा, 4 5 में उच्चतम 5 हो जाएगा, 5 1 में उच्चतम 5 5 2 में उच्चतम 5 और 5 3 में उच्चतम 5 होगा, और 5 4 में उच्चतम 5 और 5 5 में उच्चतम 5 होगा। ये जो सेट का सारणी बन रहा है इस सारणी को हम क्या कहते हैं संक्रिया सारणी कहते हैं, और इस कंडीशन को बनाते हैं सारणी उच्चतम और न्यूनतम पर। अगर यही रहेगा ए बी का जो है रिप्लेस कर क्या है आपका न्यूनतम, एक में न्यूनतम देखेंगे तो एक लिखेंगे, 1 2 में न्यूनतम 1 हो जाएगा, 1 3 में न्यूनतम 1 हो जाएगा, 1 4 में न्यूनतम 1 हो जाएगा, 1 5 में न्यूनतम 1 हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि सारणी हम जो बनाएंगे वह सारणी आपका उच्चतम का बनेगा कि न्यूनतम का बनेगा, वो क्वेश्चन में आपका रहता है। तो ये आपका हुआ द्विधारी संक्रिया से संबंधित आपके जो भी डिफिनेशंस थे उसको जाना गया, उससे संबंधित प्रश्नावली को नेक्स्ट वीडियो में हल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।